तो सबसे बड़ा सवाल अशरफ की चिट्ठी के बाद जो उठ खड़ा होता है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि अशरफ की ये जो बंद लिफाफे वाली चिट्ठी है, अशरफ को धमकी आखिरकार किसने दी है, ये बड़ा सवाल जो उठ खड़ा होता है। साथ ही साथ अगला बड़ा सवाल ये कि अशरफ ने किस अफसर का नाम इस चिट्ठी में लिखा है, क्योंकि ये बंद लिफाफे वाली चिट्ठी वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को पहुँच जाएगी। वो अफसर कौन जो अशरफ को मारना चाहता था, ये भी बड़ा सवाल है जो मुंह बाएं खड़ा है। क्या उसी अफसर ने अशरफ को मरवा दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। जैसे अशरफ ने कहा वैसे ही उसका मर्डर भी हुआ। और साथ ही साथ अशरफ की चिट्ठी किसके पास पहुंच चुकी है, ये भी सवाल है। क्या चिट्ठी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगी, सवाल ये भी। क्या चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचेगी, क्योंकि इस बात का जिक्र भी उसने पत्रकारों के सवालों के जवाब के दौरान कहा था। तो बता दें आपको, हमारे साथ प्रयागराज से विनय रघुवंशी जुड़ रहे हैं। रुख करना चाहूंगी विनय आपका, और सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा अशरफ ने कहा वैसा ही हुआ, अब सवाल ये है कि बंद लिफाफे वाली ये चिट्ठी कब, कहाँ और कैसे पहुंचेगी, और क्या ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है उस पर से पर्दा उठेगा। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से माफिया अशरफ ने जेल से निकाले जाने के बाद जब उसको प्रयागराज लाया जा रहा था, तो उस वक्त उसने मीडिया से रूबरू होते हुए उसने ये बात जरूर कही थी कि उसकी जो हत्या है वो 2 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी, और उसने बंद लिफाफा एक लिख के रखा है जो हत्या होने के बाद उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जो अपने पास जो इनपुट लगी है हाथ में, वो यही बताया जा रहा है कि वो बंद लिफाफा इससे पहले फरार चल रही साजिश्ता परवीन के पास था, लेकिन सख्ती बढ़ने के बाद और सिकंजा कसने के बाद वो लिफाफा जो है साजिश्ता परवीन ने किसी परिवार के अन्य सदस्य को उसको दे दिया है, और वो लिफाफा जो है परिवार के सदस्य जो है वो लेकर किसी ना किसी तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बंद लिफाफे में उस हत्या का जिक्र किया गया है नामों का, जिसको लेकर अशरफ ने पहले बयान दिया था कि उस लिफाफे में नाम लिखा गया है। विनय, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। पहले उसका रुख करेंगे, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सीएम योगी तक पहुंच सकता है अशरफ का बंद लिफाफा, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। परिवार के किसी सदस्य के पास लिफाफा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। परिवार की सीएम योगी तक लिफाफा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता के पास था बंद लिफाफा, इस बात का भी शक गहरा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीएम योगी के पास ये लिफाफा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आपने सुनी वो बात जिसमें अशरफ पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कह रहा है कि अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी हत्या करवाई जाती है, तो ये लिफाफा मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। विनय अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बंद लिफाफे की बात है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जब कल माफिया अतीक अहमद और अशरफ जब उनकी जब पोस्टमार्टम हो रहे थे, जब उनकी बॉडी को हैंडओवर किया जा रहा था, तो वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के पास 2 बहनोई और 3 भांजे वहाँ पर पहुँचे थे। उस भांजे ने TV9 से जो बातचीत के दौरान उसने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी किया था कि जो बंद लिफाफा है अब पहुँचेगा मुख्यमंत्री तक, तब इसकी पोल खुलेगी। लेकिन जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो वो लोग कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन जो बंद लिफाफा है वो परिवार के सदस्य जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में जुट गए हैं। और इस लिफाफे को पहुंचेगा जब मुख्यमंत्री के पास, तो देखना ये होगा कि इस बंद लिफाफे में जिसका बात माफिया अशरफ ने की थी कि आखिर उसकी हत्या हो जाएगी और 2 हफ्ते में उसको निपटा दिया जाएगा, उस लिफाफे में किसका नाम लिखा हुआ है जिस नाम को लेकर उसने जिक्र किया है, और इसके साथ ही साथ उसमें कुछ और अन्य नाम के भी लिखे होने की भी जो हिंट है, जो आशंका है, वो भी जताई जा रही है।